हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं स्टेटिस्टिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, नियुक्ति यानी फिर बदलनी समस्या। ऑलरेडी चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है, प्लीज में जाकर पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे इसमें आने वाली सारी मेथड का बेसिक कैलकुलेशन आपको आता रहेगा। आज हम एक और मेथड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले, उसके और सम प्रैक्टिस करने वाले। जो मेथड है वो असाइनमेंट नियुक्ति समस्या के रिगार्डिंग हम दोनों मेथड के, ठीक है, दोनों टाइप की जो नियुक्ति, दोनों टाइप की जो असाइनमेंट होती है, उनके 2 समसम सॉल्व करने वाले, जिससे ये मेथड और आपको अच्छे से आ सके। इससे पहले वाले वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कौन से 2 सम्स में आपको सॉल्व कराना है। जिसके अंदर स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट आया था कि जिसमें 5 रो और 5 कॉलम हो, ठीक है, 5 हार और 5 स्तंभ, इस टाइप के सम्स में थोड़ा नियुक्ति असाइनमेंट कैसे होगा वो और समझना चाहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 का जो आप सी देख रहे हो वो सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर मिनिमाइज, ठीक है, न्यूनतम ओछम ओछ वाला टॉपिक पूछा गया। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 37 भी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 5 रो और 5 कॉलम दिए गए, जिसमें मैक्सिमाइज, ठीक है, महत्तम नफो प्रॉफिट का टॉपिक हम सीखेंगे। दोनों सम्स आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले, जिससे आपको और इजीली तरीके से असाइनमेंट नियुक्ति की समस्या समझ में आ सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है, जिसके नाम में पूछा गया मिनिमाइज द कॉस्ट। कौन सी मेथड है? मिनिमाइज की मेथड, जिसे गुजराती में ओछा मोछू या न्यूनतम भी बोला जा सकता है, जिसके थ्रू हम खर्चा न्यूनतम करना चाहेंगे। इस तरह से हम असाइन करेंगे, नियुक्ति करेंगे, जिससे खर्चा कम हो जाए, ठीक है, कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो सम से मैंने कंप्लीट राइट डाउन किया हुआ है। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जिससे बेसिक कैलकुलेशन आती रहेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, आप जानते होंगे ये हमारा रो होता है, ठीक है, और ये हमारा कॉलम होता है। गुजराती मुंडे वाला भी समझ जाएंगे, इसे हम हार बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, स्टेप वाइज शुरू करना है इसे सॉल्व करने के लिए। तो पहला स्टेप जहां पर हमें क्या करना रहेगा, हार माती, याद रखिए किसमें से, हार माती नानो घटक बाद करो। हार मतलब इंग्लिश में समझिए रो, ईच रो में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उसे माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमारा हार है, ये हमारा रो है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 रो दी गई है, ठीक है, 5 हार। इसमें से मिनिमम वाला छोटा घटक जो होगा वो हर एक में से माइनस करना। जैसे कि फर्स्ट रो के ना सबसे मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये 1 है। तो हर एक वैल्यू में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से पहला टेबल हमारा रेडी होने वाला है। तो देखिए 1 सबसे छोटा है तो माइनस कीजिए, 9 में से 1 माइनस किया 8 आया। इस तरह से आप टेबल जरूर बनाइएगा। 3 में से 1 माइनस किया 2, 1 में से 1 माइनस किया 0, 13 में से 1 माइनस किया 12 और 1 में से 1 माइनस किया 0। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरह सारे रो के लिए आपको करना है, ठीक है। तो सेकंड Q2, ये हमारी रो है, इसमें मिनिमम कौन दिख रहा है, सबसे मिनिमम, सबसे नानो में नानो घटक 1, यहाँ पर भी 1 दिख रहा है। तो सब में से 1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 किया 0, 17 में से 16, 13 में से किया 12, 20 में से किया तो 19 और 5 में से किया तो 4। थर्ड रो में आते हैं, यहाँ पर देखिए 0 है ऑलरेडी, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 0। तो 0 सब में से माइनस करेंगे तो सारी वैल्यू वही की वही आएगी, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो वही मिलेगा। यहाँ 0 का 0, 14 का 14 रहेगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 11, यहाँ पर 4, क्योंकि हमने क्या माइनस किया, 0, और 0 माइनस करने पर सारी वैल्यू 70 आती है। उसके बाद फोर्थ रो के अंदर देखिए, फोर्थ रो के अंदर भी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 0 है। अब 0 माइनस करोगे तो 70 वैल्यू होगी, 19 माइनस 0 तो 19 ही आएगा, 3 में से किया तो 3, 0 में से 0, 5 में से 5 एंड 5 में से 5, क्लियर हुआ। अगेन लास्ट रो है यहाँ पर, तो सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम कौन सी, 2 है, 2 को माइनस कर लेते हैं, 12 में से किया तो 10, 8 में से किया 7, सॉरी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, थोड़ा सा स्पीड में होने की वजह से वो प्रॉब्लम, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 1 को माइनस करेंगे 12 में से तो 11, 8 में से करेंगे तो 7, 1 में से 1 करेंगे 0, 6 में से किया 5 और 2 में से किया 1। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया राइट, बहुत ही ईजी होता है, ध्यान से सीखिए। इससे पहले वाले वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, या 5x5 हो तो कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। तो पहला स्टेप हार मारी नानो घटक, सब्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द ईच रो, रो का काम हो गया, ठीक है, ये रो वाला टेबल है हमारा काम हो गया, हार वाला काम हो गया, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप जो इसी के बाद फॉलो करना है, ठीक है, इसी वैल्यू के ऊपर बेस पर सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व होने वाला है। जो हमारा स्टेप है सेकंड वाला, जिसका नाम भी कुछ ऐसा ही, अब स्तंभ को ध्यान रखना है, किसको ध्यान रखना है आपको, स्तंभ, कॉलम को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो कॉलम आप जानते हैं किसको बोलते हैं, कॉलम, ये वाला जो रहेगा ये हमारा कॉलम है, ये जैसे ऐसा लिख एरो समझ गए होंगे, ये हमारी सारी सारी क्या है, कॉलम, स्तंभ माना जाएगा। अब इन स्तंभ के अंदर हमको नानो घटक मिनिमम एलिमेंट माइनस करना है, जैसे हम रो में किया था, ठीक है, हार में, उसी तरह स्तंभ कॉलम में भी सबसे छोटा वैल्यू माइनस कर। लेकिन अब ये सम्स वाला ओरिजिनल वाला नहीं, अब जो हमने ऑलरेडी हार में थी माइनस किया वो वाला टेबल पर से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कॉलम है हमारा फर्स्ट कॉलम, ठीक है,
फर्स्ट स्तंभ, इसमें सबसे छोटा कौन है? जीरो। अब जीरो मिल भी सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमने मिनिमम माइनस किया तो जीरो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जीरो ही ऑलरेडी, तो सारी वैल्यू सेम इट इज आएगी। क्यों आएगी? आप समझ रहे हो कि जीरो माइनस करते हो सारी वैल्यू सेम इट इज ही होती है। अगर नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, कितना मिल रहा है? टू मिल रहा है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू टू मिल रहा है, तो टू हर एक कॉलम में से, हर एक वैल्यू में से, इस कॉलम की हर एक वैल्यू में से माइनस कर देना टू, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। 16 में से करेंगे तो 14, 14 में से करेंगे 12, 3 में से करेंगे 1, 7 में से किया 5। बहुत ईजी स्टेप है, बहुत ही बेसिक लेवल का सम्स होता है एग्जाम। बस लास्ट में नियुक्ति असाइन कर सके तो ध्यान से समझिएगा, जब ज़्यादा जीरो हो जाते तब। यहाँ पर D3 के अंदर देखिए, थर्ड कॉलम के अंदर भी आपका जीरो है ऑलरेडी, तो जीरो माइनस करेंगे तो सेम इट इज सारी वैल्यू वही आने वाली है, क्योंकि हम जीरो माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर मिनिमम जीरो है इसके लिए, क्लियर है। D4 के अंदर देखिए, सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, क्या है अपना? 5 है, तो 5 को सब में से माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7, 19 में से 5 माइनस करेंगे तो 14, 11 में से माइनस करेंगे तो 6, 5 में से किया तो 0, 5 में से किया तो 0, क्लियर। लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, लास्ट स्तंभ देखिए, यहाँ पर मिनिमम 0 है ऑलरेडी, तो सारी वैल्यू सेम इट इज आएगी। 0 हम माइनस कर रहे हैं तो सारी की सारी वैल्यू सेम इट इज आएगी। आई होप आपको ये दोनों स्टेप समझ आए होंगे, जो बेसिक है। पहले हार रो मैंने में से माइनस किया, फिर कॉलम स्तंभ में से। अब हमारा फाइनल आंसर आने लगा, अब ध्यान से देखिए, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 जो सबसे मैंने, अब हमारा आंसर यहाँ से फाइंड आउट होने वाला है, नियुक्ति करना, असाइन करना है, और मिनिमम के बेस पर हमने सॉल्व करके रख दिया। अब किसको कौन सा काम दिया जाएगा? जैसे आप सबको पता ही है कि सम्स के अंदर हमारा ये जॉब दिया, Q1, Q2, Q3, Q4 क्या है? जॉब है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, जो डिटेल में मैंने समझाया, या डायरेक्ट में सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। जॉब दिया गया, कार्य, और या पर्सन, व्यक्ति, कि कौन से पर्सन को कौन सा जॉब दिया जाए जिससे हमारा खर्चा कम से कम में पच जाए, ठीक है। तो ये सारी जो जॉब्स है, कार्य, और जो सारे पर्सन, जो व्यक्ति है, अब किसको कौन सा काम मिलेगा जिससे हमारा खर्चा जो है, खर्चा टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम आ जाए, तो ध्यान से समझिएगा। बेसिक सा काम करना है आपको, ये आपको सेकंड जो स्टेप आपने सॉल्व किया स्तंभ वाला नानो, यहाँ पर फोकस करना है, इसी में से हमारा आंसर आने वाला है। आपको पेंसिल यूज करना है, मैं यहाँ पेन यूज कर रहा हूँ, पेंसिल से यूज करने के बाद आपको उसका रफ कर देना है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा जॉब दिया जाएगा। तो सबसे पहले एक जीरो जहां पर मिल जाए उस व्यक्ति को वो काम दे दिया, जिसका मतलब वो कम से कम में काम कर रहा है, सबसे कम खर्चे में वो काम कर रहा है। चेक करते हैं, पहले रो वाइज आपको चेक करना है, कैसे? रो वाइज आपको चेक करना है। रो वाइज ना मिले तो आपको स्तंभ वाइज, कॉलम वाइज चेक करना, बस यही तरीका है। चलिए अब स्टार्ट करते, देखते हैं। तो फर्स्ट करना, देख लिए फर्स्ट रो में 1, 2, 3 तीन जीरो, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि इसको कौन सा काम दिया जाए, ये तीनों वर्क कर सकता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन, इसको स्किप कीजिए। जहाँ पर 1, 0 मिले पहले उसको असाइन, उसको नियुक्त कीजिए, हमारा आंसर आता जाएगा। चेक करते Q2 में चेक कर, देखो आपको ओनली 1, 0 मिल रहा है ये रहा, ठीक है। 1, 0 मिल गया कि नहीं मिल गया आपको, मतलब Q2 को कौन सा, ये Q2 जॉब है हमारा, इसको D1 को Q2 जॉब दे दिया जाएगा। अब ये वाला टेबल आप क्या कीजिए, जस्ट स्टार का साइन कर लीजिए, क्या कर दीजिए? स्टार, मतलब इसको ये असाइन कर दिया गया है Q2 को D1, यानी D1 को Q2, जो भी समझिए समझ रहे होंगे, यहाँ पर D1 राइट डन कर लीजिए, समझ में आया होगा। और यहाँ पर क्या करना है आपको, पेंसिल से, ये रफ काम है, बाद में आप उसको मिटाना पड़ेगा, कि वो वाले रो को और कॉलम को, ये हमारा कॉलम और रो को कट कर देना, जिससे बाकी आंसर सॉल्व करना और इजी हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा ये व्यक्ति को ये काम दे दिया गया है, तो ये सारी वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। अगेन हमको प्रोसेस शुरू करनी है, वापस आप रो में वापस स्टार्टिंग से देखिए, शायद उसमें से जो 2 जीरो, शायद 1 जीरो कट हो गया होगा, इसलिए स्टार्टिंग से वापस आपको देखना है। तो अगेन फर्स्ट में देखिए, अभी भी 3 जीरो है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, इसका तो हो गया काम। Q3 को देख लीजिए, यहाँ पर 1 भी 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर 1 भी 0 नहीं, क्योंकि मैंने कहा है जहाँ पर 1 0 उसको असाइन कर लिया जाए, उसको नियुक्ति दे दी जाती, अब 1 भी 0 नहीं, तो यहाँ 0 बना दो, अगले स्टेप में कन्वर्ट नहीं करना, बुक में एक स्टेप बनाए, यहाँ पर आप समझ जाओ कि सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो उसी को सारी वैल्यू में से माइनस कर लीजिए, तो 4 को 4 में से माइनस किया 0, 6 में से किया तो 2, 8 में से किया तो 4, और यहाँ पे किया तो 8। देखिए अब आपको 1 0 मिल रहा है कि 2 0 है, वो आपको देखना है। अब आपको ओनली 1 0 मिल चुका है, ठीक है। अगर 2 बार 4 होते तो 2 0 मिलते, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 ही 0, इसका मतलब Q3 को कौन सा काम दिया जाएगा, D5 दे दिया जाएगा, D5 को Q3, तो असाइन कर लीजिए Q3 के अंदर, D5 के अंदर असाइन कर लीजिए, हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो Q3 के सामने कौन आ रहा है, D5 आ रहा है, और क्या करना है यहाँ पर आपको, उसका कॉलम और उसका रो कट कर देना, ये पेंसिल से करना, उसके बाद आपको रफ करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझ रहे होंगे। आगे नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, अगेन रो पे चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 3 थे, 1 कट हो गया, बट अभी भी 2 है, अभी भी इसका भी कन्फ्यूजन है, इसको कौन सा जॉब दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका हो गया यहाँ पर Q3 का, Q4 में देख लीजिए 2 है, ठीक है, तो इसको भी नहीं दे पाएंगे, Q5 के लिए 2। अब देखो आपने रो रो में चेक किया, कहीं पे भी 1 नहीं बचा, हर जगह 2 है, तो रो वाइज हमने चेक कर लिया, तो अब असाइन नहीं कर पा रहा। कॉलम वाइज कैसे चेक करना है, कॉलम वाइज चेक कीजिए, ध्यान से सुन दोगे, तो ये वाला कॉलम तो हो चुका है कट, कोई बात नहीं, इसका तो पूरा हो चुका है,
डी टू, एक जीरो चेक करना, देखिए यहाँ पर जीरो बचा है, वन बचा और फाइव, तो एक जीरो आपको मिल गया, तो इसका मतलब ये डी टू को क्यू वन असाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि अब रो वाइज हो चुका था, कॉलम वाइज चेक कर रहे, कॉलम के अंदर एक जीरो आपको मिल चुका है, तो डी टू का क्यू वन हो जाएगा, क्यू वन डी टू यहाँ पर असाइन कर लीजिए, और वही सेम प्रोसेस उसका कॉलम और उसका रो हमें कट कर देना है। क्लियर हो रहा है? वापस अब देख लीजिए, वापस आप रो वाइज आ सकते हो, रो वाइज वापस आ जाओ, तो रो में देखो ये दो रो, इसी में इस रो में दो जीरो, इस रो में दो जीरो, अब कॉलम में आ जाओ, कॉलम में भी यहाँ पे देखो दो जीरो, कॉलम में दो जीरो, जब ऐसा हो जाए सब जीरो जीरो ही मिले, तो सिंपल सा काम करना, ध्यान से सुनो, ऐसा आएगा ही एग्जाम में, लास्ट में जाके यही होने वाला है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को जिसका भी सिलेक्ट कर रहे हो असाइन, उसको फर्स्ट वाले जीरो वाला काम दे देना है, क्योंकि यहाँ पे दो काम करते हैं, तो पहले वाले जीरो को इसको ये काम दे दिया जाएगा, फर्स्ट वाले को फर्स्ट, ठीक है, तो क्यू फोर को डी थ्री दे दिया जाएगा, क्यू फोर को डी थ्री दे दिया जाएगा, कैसे समझ गए, जो फर्स्ट के सामने फर्स्ट आ रहा है वो दे देना, पहला जीरो वाले को दे देना है, बस उसका ये रो और कॉलम भी कट कर दो, ऑटोमेटिक लास्ट में क्यू फाइव का जीरो ही बचेगा, तीन जीरो तो भी आपको कोई बात नहीं, इजीली समझ में, पहले वाले को पहला मिलेगा, दूसरे वाले को दूसरा मिलेगा, तीसरे वाले को तीसरा मिलेगा, इतना समझना है, क्यू फाइव को क्या आ जाएगा, क्यू फाइव को डी फोर आ जाएगा, क्यू फाइव को डी फोर, उसका रो कॉलम कट कर देना है, ये सब काम पेंसिल से किया, फिर उसको वापस मिटा देना है, क्योंकि ये वैल्यू हमें दर्शानी है सेम टू सेम, ठीक है, ये मेरा तरीका था सॉल्व करने का, बुक में कुछ और दिया बट ये इजी तरीका, आई होप आपको समझ में आया होगा, अब फाइनल आंसर हमको लिखना है यहाँ पर, कुल खर्च टोटल कॉस्ट निकाला जो मिनिमम वाला, तो अब ये सारे जो हमने क्यू वन को क्या दिया, डी फाइव दिया, ठीक है, सारे आंसर हमने फाइंड आउट कर दिए थे, सॉरी मैंने राइट डाउन नहीं किया, फटाफट देख लेते हमने किसको क्या दिया था, इस टेबल से हमें पता चलेगा, क्यू वन को हमने डी टू दिया था, क्यू वन को डी टू, क्यू टू को डी वन, क्यू थ्री को डी फाइव, क्यू फोर को डी थ्री दिया था, या क्यू फाइव को डी फोर, हो गया क्लियर, ठीक है, अब देखिए सारे के सारे वैल्यू हमें सम्स में से लिखने हैं, जो सम्स वाला टेबल था उसमें से उठा के रकम लिखनी है, वो हमारा खर्चा यहाँ पर लिखना है, तो क्यू वन के सामने क्या आया था हमारा डी टू, तो इसके सामने कितना है, थ्री है, ठीक है, थ्री सब वैल्यू प्लस कर आप साइड नीचे जाके सब प्लस कर सकते हो, उसके बाद क्यू टू का क्या है, फर्स्ट है, क्यू टू का फर्स्ट वन है, तो उसका खर्चा वन है, क्यू थ्री का डी फाइव है, क्यू थ्री का डी फाइव, डी फाइव में इसका कितना है, फोर खर्चा है, क्यू फोर का डी थ्री, क्यू फोर का डी थ्री कितना है इसका, यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर जीरो प्लस होने वाला है, क्यू फाइव का डी फोर, क्यू फाइव का डी फोर यहाँ पर सिक्स है, तो यहाँ पर सिक्स रुपीज प्लस होने वाला है, तो ये सारे खर्चों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देते तो ऑटोमेटिक हमें कितना मिल रहा है, फोर्टीन मिल रहा है, तो ये फोर्टीन जो होने वाला है ये हमारा मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, न्यूनतम खर्च बनने वाला है, ओछा में ओछा इस तरह से असाइन करेंगे, जिससे 14 रुपया सबसे कम हमें देना तो पड़ेगा, क्लियर, आई होप आपको समझ में आएगा कैसे असाइन किया है, बहुत ही बेसिक लेवल का था, फिर भी कन्फ्यूजन तो मुझे कमेंट कीजिए, और इसके पहले वाला वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए, और इसके बेस पर और सारे सम्स आप कर सकते हो, एग्जाम्पल भी ट्राई कीजिए, आपको आई जाने वाला है, अब आते हैं हम सेकंड मेथड के ऊपर, ठीक है, ये हमारा मिनिमम मिनिमाइज वाला टॉपिक हो गया, ऊंचा मौजा जिसके थ्रू हम खर्चा कॉस्ट कम करते हैं, अब आते हैं प्रॉफिट के बारे में, ठीक है, जो प्रॉफिट होता है हमें, जो नफो होता है उसको मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, ठीक है, जिसके लिए मैक्सिमम असाइनमेंट कैसे दिया जाता है वो हम सीखेंगे, महत्तम नियुक्ति हम सीखने वाले है, जिसके थ्रू हम नफो जो होता है प्रॉफिट उसको इंक्रीज करना चाहेंगे, तो देखते हैं सम्स कौन सा ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बुक के अंदर यहाँ पर 37 देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है, महत्तम नफो इस तरह से हमको असाइन करना है, इस जॉब को इस पर्सन को किस तरह से असाइन करना है जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, महत्तम नफो हो सके, तो ये कंप्लीट सम्स है, मैंने सम्स राइट डाउन नहीं किया है, ठीक है, थोड़ा स्पेस की वजह से हम यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते, तो इस मेथड के लिए सबसे पहले यहाँ रखना है सेकेंड वो फर्स्ट मेथड की तरह ही होता है, बस पहला स्टेप आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंक्रीज कर लिया जाए, पहला स्टेप एक बढ़ जाता है, पहला स्टेप क्या बढ़ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैक्सिमम का टॉपिक हो तो ही याद रखिए, महत्तम वाला हो ना तो ही याद रखिए, पहले स्टेप में क्या करना है, सोथी मोटो घटक, सोथी मोटो घटक बाद करो, सब्स्ट्रैक्ट हाईएस्ट एलिमेंट, मतलब जो सम्स के अंदर जो भी वैल्यू दी गई इसमें से सबसे बड़ी कीमत, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को हर एक में से माइनस करना, या रो कॉलम की बात नहीं, हर एक वैल्यू में से माइनस कर देना, तो सबसे हाईएस्ट चेक कीजिए पूरे की पूरी वैल्यू के अंदर, सबसे हाईएस्ट यहाँ पर मिल रहा है 28, ठीक है, ध्यान से आपको देखने का पूरे के पूरे करना, सबसे हाईएस्ट क्या है 28, तो सारी वैल्यू में से आपको यहाँ 28 माइनस कर देना है, बस ये वाला स्टेप एक इंक्रीज होता है, उसके बाद का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है और मिनिमम की तरह न्यूनतम की तरह ही होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा है 28 सबसे हाईएस्ट और माइनस कीजिए, प्लस में लिखना, ठीक है, 28 माइनस 13 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, इसी तरह 12 है यहाँ पर 28 माइनस 12 तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, उसके बाद 15
28 माइनस 15 तो 13 हो जाएगा, इसी तरह 17 यहाँ पे 28 हाईएस्ट 28 समझ गए होंगे, एलिमेंट 28 में से माइनस कर रहे हैं तो अब 11 आएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख लूंगा फटाफट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी वैल्यू को मैं 28 में से क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, अब समझ गए होंगे, इसलिए मैं टाइम सेव करने के लिए फटाफट लिख लेता हूँ। जो भी हमारा 28 में से माइनस करने का जो बाकी वैल्यू बच रही है वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, कहीं कहीं जीरो भी आएगा क्योंकि जहाँ पर 28 होगा वहाँ पर हमें जीरो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पहला स्टेप हुआ हमारा कंप्लीट, जिसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू 28 था तो 28 में से सारी वैल्यू को हमने माइनस किया, पहला स्टेप बस ये इंक्रीज हो जाएगा, ये आपको याद रखना। उसके बाद के सॉल्यूशन बिल्कुल सेम टू सेम, हमने जो मिनिमम में सीखा न्यूनतम में ओछा मोछा वैसे आपको सॉल्व करना, पहला स्टेप यही है ठीक है। देख लो, हार माथी नानो घटक बाद करो, सब्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो, वही रो में से करना, पहला स्टेप में रो हार माथी नानो घटक बाद करो, पहला स्टेप में वही हमको करना है, बट इसमें से करना है, जो पहला स्टेप का सॉल्यूशन है उसी में से आपको देखना है, बस ये याद रखिएगा पिछले वाले स्टेप में से आगे सॉल्यूशन हमको करना रहेगा। तो हमारा रो है ठीक है, फर्स्ट रो के ना मिनिमम वैल्यू कितनी है 11 है, तो हर एक में से हम 11 माइनस कर देंगे, 15 माइनस 11 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 16 में से माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 13 में से माइनस करेंगे 2, 11 में से 11 माइनस किया 0, 18 में से माइनस किया 7। सेकंड वाले के चेक कीजिए सबसे मिनिमम क्या है, 2 है, 2 को माइनस करेंगे, मैं फटाफट राइट डाउन कर देता हूँ, आई होप आपको पता चल गया होगा इसके लिए टाइम सेव करने के लिए। थर्ड के ना मिनिमम क्या 0, मतलब सेम टू सेम सारी वैल्यू वही आने वाली है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम क्या है हमारा 0 है इसके लिए। फोर्थ वाले रो के ना चेक कीजिए मिनिमम क्या 1 है, 1 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, आई होप आप कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट वाले के ना मिनिमम क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, तो 3 को हर एक में से माइनस कर देंगे तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप भी क्लियर हो चुका है, रो हार माती नानो घटक मिनिमम वैल्यू हमने माइनस कर दिया। अब आते हैं थर्ड स्टेप के अंदर जो सबसे ध्यान से सॉल्व करना है क्योंकि इसी के बेस पर आगे सारा सॉल्यूशन होता है। तो याद रखिए अब स्टेप 2 के अंदर ही आपको देखना है, जैसे आप सबको पता है अब कॉलम की बारी आने वाली, स्तंभ की बारी है ठीक है, तो कॉलम में से हमें माइनस करना रहेगा, स्तंभ में से माइनस करना रहेगा। तो कॉलम आप जानते हैं यहाँ पर किस तरह से कॉलम देखा जाता है, तो देख लेते हैं मिनिमम क्या है यहाँ पर। तो कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 है, मतलब सारी वैल्यू सेम इट इज लिख ली जाएगी, कॉलम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि अब 0 है, 0 माइनस करेंगे तो सेम ही आएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड कॉलम में चेक कीजिए 1 है, तो मतलब 1 माइनस कीजिए, हर एक वैल्यू में से 1 माइनस कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद थर्ड के अंदर मिनिमम क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो 2 माइनस कर लेते हैं हर एक के अंदर, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ कॉलम के अंदर आपको 0 मिल रहा है, अगेन 0 मतलब सारी वैल्यू सेम बिटीज आने वाले, क्योंकि 0 माइनस करते हैं तो कोई चेंजेस होता नहीं है, 0 में से कुछ मतलब उस वैल्यू में से 0 माइनस करो सेम ही आता है। लास्ट वाले कॉलम के अंदर भी आपको 0 मिल चुका है क्योंकि हमने पहले से ऑलरेडी महत्तम वाला भी हमने माइनस किया, फिर कॉलम वाला रो वाला हमने माइनस किया, इसलिए हमको 0 पहले से ज़्यादा मिल जाते हैं। इस मेथड के अंदर आपको 0 थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पर असाइनमेंट करते समय नियुक्ति समय स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूज होता है, तो सीखते ध्यान से स्टेप वही फॉलो करना, पहले रो के अंदर देखना है 1 0 मिलना चाहिए, रो में पद गया 1 0 कहीं नहीं मिला, 2 2 मिल रहा है, 3 3 सब जगह, फिर कॉलम आपको चेक करना है रो और कॉलम में, फिर देखा सब जगह 0 0, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट, सेकंड वाले को सेकंड, इन तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले फर्स्ट रो में देखना है, रो में 1 1 0 ना मिले, फिर कॉलम में देखना है, कॉलम में भी 1 1 0 ना मिले, तो समझ जाना इक्वल हो रहा होगा, सारे वैल्यू 0 वाले हो रहे होंगे, तो फर्स्ट को फर्स्ट सेकंड को सेकंड, इस तरह से आपको नियुक्ति असाइन करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा पेंसिल से आपको यूज करना है। पहले हम बात कर लेते हैं हमारा रो के अंदर चेक कर लेते, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट के अंदर 2 0, यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे कोई भी नियुक्ति असाइन नहीं कर पाएंगे किसको कौन सा काम, क्योंकि 2 2 है, कोई बात नहीं। नीचे आते हैं जहाँ पर 1 मिले उसी का पहले कीजिए, तो यहाँ पर हमको 1 मिल गया, देखो 1 0 मिल गया कि नहीं मिल गया, मतलब J2 का P5 के अंदर आ गया, तो J2 के अंदर P5 यहाँ पर हमारे स्टार कर देंगे, और आप यहाँ पे भी इस तरह से स्टेप 5 बनाकर उसके अंदर भी आप वैल्यू लिख ले सकते हो, सॉरी उसके आगे सिर्फ नाम लिख लीजिए, वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे एंड में। उसके बाद यहाँ पर जैसे 0 हो गया उसका हमारा रो और कॉलम कट करना भूलना नहीं है, पेंसिल से करना है ठीक है, जिससे बाकी सारी वैल्यू और कम हो जाएगी। अगेन हम चेक कीजिए स्टार्टिंग 1 से चेक कीजिए, शायद क्योंकि उसमें से 2 0 1 0 कट हो गया हो, तो इसके लिए अगेन फर्स्ट से स्टार्ट कर लेने का आपको, तो रो के अंदर 2 0 नहीं होगा कोई बात नहीं, तो कट हो गया, या देखिए 1 0 मिल गया आपको, तो J3 के लिए P4 आ गया, J3 के लिए क्या आ गया, P4 आ चुका है, ये रहा 0, उसका ही कॉलम और उसी का रो हमने कट कर दिया। आई होप ये आपको आ रहा होगा, नॉर्मल है, प्रैक्टिस कीजिएगा आपको आ जाएगा। अगेन आपको रो में आना है, तो फर्स्ट से स्टार्ट अगेन कीजिए ठीक है, फर्स्ट जैसे मैंने कहा कि रो कॉलम कट करते 0 कम हो जाते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे 2 0 तो 1 ही 0 बचा ही नहीं बचा, तो J1 का क्या आ गया, P3 आ गया, J1 का क्या आएगा, P3 आ गया, तो बस इसी का ये भी कॉलम रो हमने कट कर दिया। अगेन हम रो से चेक कर रहे अभी भी ठीक है, क्योंकि हमको 1 1 0 मिल रहा है, अब यहाँ पर 2 0 है, तो इसका तो असाइन नहीं हो सकता नियुक्ति, लेकिन
यहाँ पर देखिए एक भी जीरो नहीं है, तो एक भी जीरो ना तो वहाँ जीरो बना देने का। कैसे बनाना है, जैसे प्रीवियस में मैंने कहा जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको माइनस कर लीजिए, या मिनिमम क्या हमारा वन है तो वन को माइनस कर लीजिए, या समझने के लिए आप ठीक है अगला स्टेप करने जरूरत नहीं। अब जीरो हो गया, यहाँ माइनस किया तो हमारा टू बच गया, तो देखिए एक जीरो मिल गया कि नहीं मिल गया इसके अंदर, एक ही जीरो, तो जे फाइव का क्या हो जाएगा, पी वन हो जाएगा, जे फाइव का पी वन हो जाएगा, और उसका रो ठीक है और उसका कॉलम कट करेंगे तो डायरेक्ट जे फोर का भी हमारा आंसर मिल चुका है पी टू, हमें रो के अंदर ही सारे वैल्यू आंसर मिले, कॉलम में हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ इस स्टेप को ध्यान से अच्छे से सीखिएगा, फॉलो कीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। तो बस हमारा काम मेन हो चुका है, असाइन हमने कर लिया, बस वैल्यू राइट डाउन करें जो हमें सम्स में से लिखना है। पहले मैं लिख लेता हूँ, जे वन को हमने क्या दिया है पी थ्री दिया है, जे टू को पी फाइव दिया, जे थ्री को पी फोर, जे फोर पी टू, और लास्ट में जे फाइव को पी वन दिया। अब हमारा यहाँ पर नफो है ठीक है, प्रॉफिट जो हमने मैक्सिमम किया होगा, तो देख लेते हैं सम्स के अंदर जो जो है सारी वैल्यू हम राइट डाउन कर लेते हैं सम्स के अंदर से। तो जे वन का पी थ्री, तो यहाँ पर थर्ड पी थ्री कितना है, यहाँ पर 15 है। उसके बाद जे टू का पी फाइव, जे टू का पी फाइव में कितना है 26 है, सारे को ऐड करना है प्लस करना है। जे थ्री का क्या है पी फोर, पी फोर में कितना है 28। जे फोर का पी टू, तो पी टू के अंदर कितना वैल्यू दिया गया जे फोर का 26, और लास्ट में पी वन जे फाइव का पी वन 24। सारी वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट नफ होगा जो महत्तम बनेगा, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इतना ही कमा सकते हैं हम, 119। ठीक है, क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमने नियुक्ति असाइन किया और सारी वैल्यू को हमको सम्स में से ही प्लस करना। याद रखिए ये सारे स्टेप बहुत ही बेसिक है, प्रैक्टिस करोगे सम्स के अंदर तो आपको आ ही जाएगा। आई होप इसके थ्रू ये चैप्टर आई होप कि कंप्लीट हो चुका होगा, फिर भी लगता है चैप्टर में और कोई क्वेरी है और कोई वीडियो चाहते हैं तो उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।